हिमासान.com के खास न्यूज बुलेटिन में आज हम आपको बताते हैं कि इंदौर के लोगों को घर पहुंच तक सेवा देने वाले 20,000 से ज्यादा ऑटो चालक लॉकडाउन के चलते भूखमारी के कगार पर पहुंच गए। अधिकांश चालक रोज कमाने रोज खाने वाले हैं और प्रतिदिन कुछ निजी गाड़ियां चलाते हैं तथा कुछ किराए की गाड़ियां चलाते हैं। पिछले 25 दिनों से लॉकडाउन होने से इनका काम धंधा बंद हो चुका है और आमदनी के सारे रास्ते बंद होने से घर का राशन पानी भी खत्म हो चुका है, जिसके चलते अभी भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। इंदौर के ऑटो रिक्शा चालक उस मेहनत वर्ग में शामिल हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। कई रिक्शा चालक तो ऐसे हैं जिन पर पूरा परिवार निर्भर है और अकेले कमाने वाले हैं और कई सदस्य परिवार में खाने वाले हैं। जिस तरीके से छोटे कारखानों के मजदूरों की दिन दिन काम करने वाले मजदूरों के सामान खाना पीने की समस्या है, वैसी ही समस्या ऑटो चालक के सामने भी आ खड़ी हुई है। इंदौर के सभी ऑटो चालकों के परिवार को भूखमरी से बचाने के लिए शासकीय तौर पर राशन की व्यवस्था की जाए और कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द उनका काम चालू हो सके। मजदूर वर्ग लॉकडाउन का पूरा पालन करना चाहता है लेकिन मजबूरी में उसे अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। यदि प्रशासन उनकी भूख की चिंता कर राशन की व्यवस्था करवा दें तो लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन हो सकेगा। कमासान.com प्रशासन से अपील करता है कि वो मजदूरों के साथ साथ ऑटो चालकों के राशन की भी व्यवस्था करवा दें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।